हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी अब मेहुल पर शिकंजा कस चुका है। बड़ी कार्रवाई हुई है। भारत सरकार ने एंटीगुआ सरकार को चौकसी की गिरफ्तारी के औपचारिक दस्तावेज भेजे हैं। एंटीगुआ में गिरफ्तारी पर चौकसी को कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत लाया जा सकता है, तो जल्द ही भारत लाया जा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया बकायदा शुरू भी हो चुकी है। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के लिए भारत ने दस्तावेज भेजे हैं एंटीगुआ सरकार को। मेहुल चौकसी, ऐसा नाम जिसने नीरव मोदी के साथ मिलकर पीएनबी को 14,000 करोड़ का चूना लगाया और फिर भारतीय कानून को धता बताते हुए विदेश भाग निकला। लंबी पड़ताल के बाद सामने आया कि मेहुल चौकसी ने कैरेबियाई देश एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली, जिसके साथ भारत की प्रत्यर्पण डील नहीं थी। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इस बाबत एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। भारत सरकार ने कहा है कि प्रत्यर्पण संधि 1962 के प्रावधान एंटीगुआ एंड बारबुडा पर भी लागू होंगे। इससे पहले एंटीगा ने कहा था कि दोनों देशों के राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते उसके कानून में चौकसी के प्रत्यर्पण का स्कोप है, भले ही दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि ना हो। इसी के बाद भारत ने एंटीगा को चौकसी की गिरफ्तारी के कागज भेजे। सूत्रों के मुताबिक एंटीगुआ में मौजूद मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के लिए भारत सरकार ने उसकी औपचारिक गिरफ्तारी के दस्तावेज भी एंटीगुआ भेज दिए हैं। ये दस्तावेज एंटीगुआ में मिलने के बाद एंटीगुआ प्रशासन को मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी करनी पड़ सकती है, साथ ही मेहुल चौकसी को भी इसके लिए जमानत लेनी पड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक चौकसी ने 2017 में मुंबई से पुलिस क्लियरेंस हासिल किया था, जिससे उसके एंटीगा की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया था। घोटाला उजागर होने के बाद चौकसी ने 4 जनवरी 2018 को देश छोड़ा। 31 जनवरी 2018 को सीबीआई ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। 23 फरवरी को चौकसी का पासपोर्ट रद्द किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसे में चौकसी पर शिकंजा कसा जाना मोदी सरकार के लिए भी राहत की बात है। एंटीगुआ में मौजूद मेहुल चौकसी फिलहाल भारत सरकार के जाल में फंस गया है और साल 2019 के चुनाव को देखते हुए भारत सरकार उसे वापस लाने की पुरजोर कोशिश करेगी। वहीं मेहुल चौकसी भारत वापस न आने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोर्ट मेहुल चौकसी को वापस भारत भेजता है या नहीं, लेकिन ये तो तय है कि आने वाले दिन मेहुल चौकसी के लिए भारी साबित हो सकते हैं। एंटीगा दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों की लिस्ट में आता है। इसकी आबादी 80,000 के करीब है। साथ ही अगर कोई 5 साल में 5 दिन भी यहाँ गुजारता है तो उसकी नागरिकता के लिए ये काफी है। यहाँ की नागरिकता लेना आसान है और उस पासपोर्ट से विदेशों में सफर करना और भी आसान। माना जा रहा है कि मेहुल चौकसी ने ये नागरिकता धंधे को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए हासिल की। अब अगर एंटीगा कार्रवाई में साथ देता है तो चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।